देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान। उन्होंने कहा नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पहले से मिली थी, डीआरजी जवानों को मौके पर भेजा गया था, जिसके बाद तलाशी के बाद वो वापस लौट रहे थे और लौटने के दौरान ही हमला हुआ। मौके पर अतिरिक्त फोर्सेज भेजी गई है। जी आपको बता दें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए हैं और जिसे लेकर गृहमंत्री ये कह रहे हैं सूबे के कि वहां पर सूचना मिली थी और सर्च ऑपरेशन के लिए डीआरजी की टीम शिष्टी वहां पर गई थी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे थे कि कुछ इनपुट यहां पर मिले थे जिसके बाद तलाशी के लिए ये जवान पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त हमला बोल दिया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा। की मृत्यु हुई है कुल 11 लोगों की, शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया। की बड़ी खबर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने नक्सली हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा कि शहीदों के परिवार के प्रति उनकी संवेदना है। उन्होंने कहा दुखद घड़ी में परिजनों के साथ खड़े हैं। तो जिस तरह से दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने हमला किया, 10 जवान शहीद हुए, पहले अमित शाह का ट्वीट आता है, भूपेश बघेल ट्वीट करते हैं और अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरी संवेदना जाहिर की है। सृष्टि, बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह बयान दिया, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज आप यहां पर सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से धमाका होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी पैटर्न के साथ जैसे पहले हमले हुआ करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लंबे समय के बाद में इतना बड़ा अटैक नक्सलियों की ओर से किया गया, यानी कि जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद रहा है नक्सलियों को रोकने में, उन्हें पकड़ने में, उनके हर प्लान को खत्म करने में, तो पूरी प्लानिंग की गई है पहले बारीकी से और उसके बाद में यह हमला बोला गया है। इनपुट मिलते हैं कि कुछ नक्सली यहां पर कैंपेन कर रहे हैं या फिर वो एक्टिव हो रहे हैं यहां पर, और तब जो डीआरजी के जवान है वो वहां पहुंचते हैं और जब वापस लौट रहे होते हैं तब यह हमला किया जाता है। और ये मलबा आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि ब्लास्ट के बाद उस जगह की क्या स्थिति है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, किस तरीके से एक बड़ा गड्ढा आपको दिखाई देगा, गाड़ी के परखच्चे उड़े वो दिखाई देगा, धुएं का गुब्बार दिखाई देगा। दो तस्वीर हम आपको ब्लास्ट की दिखा रहे हैं जो ये बताता है कि हमला कितना बड़ा था। जी हाँ, देखिए अरनपुर इलाका है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का जहां पर ये नक्सली हमला हुआ और इतना घातक इतना भीषण ये हमला था कि रोड की देखिए धज्जियां उड़ गई हैं, पूरा चारकोल उखड़ गया है, 10 फीट गहरा गड्ढा है और ये गाड़ी जिस गाड़ी पर हमला हुआ उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, गाड़ी का जो पार्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा, चीथड़े उड़ गए हैं गाड़ी के, लोहे की गाड़ी के चीथड़े उड़े हैं। जरा सोचिए कि जो लोग उस पर सवार हुए होंगे उनकी हालत क्या हुई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा।